बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का सेंटर ओ है और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। लेट्स सपोज वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव करता है इस सर्कुलर पाथ पर पॉइंट बी तक। जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है तो वो एक डिस्टेंस कवर करता है। लेट्स सपोज दैट डिस्टेंस इज एस। इसके अलावा जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव करता है टुवर्ड द पॉइंट बी, वो एक एंगल बनाता है एट द सेंटर। लेट्स सपोज यहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया मूव करना और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो साथ साथ सेंटर पर एक एंगल भी बन रहा है। इट मीन्स दैट जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से सर्कुलर पाथ की बात करें, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर पॉइंट ए से मूव करता है टू एनी पॉइंट बी, तो वो एक एंगल बनाता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अज्यूम दैट दैट एंगल इज थीटा। इस बात को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ए ने सॉरी ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया पॉइंट बी की तरफ। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पॉइंट बी की तरफ, इट इज़ मेकिंग एन एंगल एट द सेंटर। सो दिस एंगल इज, लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा। ये जो एंगल थीटा है, दिस एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन अदर वर्ड्स, या दूसरे अल्फाज में, ये वो एंगल है, यानी कि ये थीटा वो एंगल है थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स पॉइंट बी। सो एक ऐसा एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो हम कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ। सो दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। S is distance covered by the body, distance covered by the object from, this is the distance between point A and B, this is the distance covered by the object, R is the radius of the circle. Mathematically, ye proved hai, theta is equal to S over R. In fact, mathematically ye ek circle hai aur ye iski arc hai, ye jo small piece nazar aa raha hai. सो ये लेंथ ऑफ आर्क बनती है एल के नाम से, और मैथमेटिक्स में ये प्रूव्ड है कि लेंथ ऑफ आर्क इज़ इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर, और थीटा इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई आर। लेकिन यहाँ पर जो लेंथ ऑफ आर्क है वो डिस्टेंस है, क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया था। सो थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर। इट मीन्स दैट कि अगर हमें डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है और उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया वो नोन हो, और जिस सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस कवर किया गया उसका रेडियस भी नोन हो, उसके रेडियस का भी पता हो, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड किया जा सकता है। क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस दैट इज़ कवर्ड ऑन द सर्कुलर पाथ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। Furthermore, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, या ये जो थीटा है, ये सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल है। सो इट इज मेजर्ड इन रेडियंस, यानी कि ये थीटा रेडियंस है, थीटा डिग्री नहीं है, ये थीटा रेडियंस है।